Good morning, students. I am Ridhima Miss, your SST teacher today. We will start our first chapter of class 4. First of all, I will show you the book. So, this is our book. Let's explore social studies of class 4. Now, I will show you the content of your book. So, these are your contents. There are total 19 chapters in our book. Our first chapter is My Motherland, India. Okay, now we will start our first chapter. फर्स्ट चैप्टर माई मदर लैंड इंडिया. इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के बारे में जानेंगे. इसका लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड मैप में, कितनी नेबरिंग कंट्रीज़ है, कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, यहाँ का फिजिकल फीचर्स क्या क्या है, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे. ओके, हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, इंडिया लाइज इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया. इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विथ ओनली 6 कंट्रीज बिगर दैन इट इन साइज. दे आर रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो ये तो हम जानते ही हैं कि इंडिया जो है हमारा वो एशियन कंटिनेंट में आता है. टोटल 7 कंटिनेंट है हमारे वर्ल्ड में और इंडिया जो है हमारा वो एशियन कंटिनेंट में आता है, एशिया के कंटिनेंट में आता है और ये एशिया का साउथ सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है इंडिया. ठीक है, और नोट्स दिखाती हूँ इसके लिए मैं आपको. ठीक है, तो इंडिया जो है हमारा साउदर्न पार्ट में, एशियन कंटिनेंट के साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है, दक्षिण पार्ट में लोकेटेड है और ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया सातवां सबसे बड़ा देश है. बाकी सबसे फर्स्ट नंबर पर जो है वो आता है रशिया. सब फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में रशिया. उसके बाद आएगा सेकेंड नंबर पर कैनेडा, थर्ड नंबर पर चाइना, फोर्थ ब्राज़ील, फिफ्थ यूनाइटेड स्टेट्स एंड सिक्स आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ नंबर पर आता है हमारा इंडिया. इंडिया इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और ये दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. सबसे पहला फर्स्ट नंबर पर जो है आपका वो चाइना आता है. ठीक है, अब उसके एरिया के बारे में जानते हैं. इंडिया जो है नॉर्थ से साउथ तक में फैला हुआ है 3,214 किलोमीटर एरिया तक में और ईस्ट से वेस्ट तक में इसका एरिया है 2,993 किलोमीटर. ठीक है, वर्ल्ड मैप में अब इसका लोकेशन देख लेते हैं. ये वर्ल्ड मैप का पिक्चर दिया है आपकी बुक में और ये जो कलर्ड पार्ट है ये है इंडिया. ठीक है, और ये इंडिया देख रहे हो कि आप साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है. ठीक है, तो इंडिया एशियन कंटिनेंट के साउदर्न सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब उसका लोकेशन क्या है. इंडिया इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड इन द साउथ. इट मेक साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया अ पेनिनसुला. इंडिया को जो है हम जानते हैं कि पेनिनसुलर कंट्री भी कहते हैं. इंडिया को पेनिनसुलर कंट्री भी कहा जाता है. क्यों कहते हैं पेनिनसुलर कंट्री? क्या होता है पेनिनसुला? ये तो हम जानते हैं, क्लास 3 में भी ये पढ़ चुके हैं. पेनिनसुला एंड आइलैंड ये क्या होते हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं. पेनिनसुला मतलब वो पार्ट लैंड का जिसकी थ्री साइड वाटर और वन साइड लैंड होता है. ठीक है, और आइलैंड मतलब जिसके पूरे साइड वाटर होता है. ठीक है, तो इंडिया का वही है, इसकी थ्री साइड वाटर बॉडीज है और एक साइड लैंड है. देखो मैप में भी थ्री साइड वाटर है, एक साइड है अरेबियन सी, एक साइड है बे ऑफ बंगाल, इसके साउथ साइड में है इंडियन ओशियन. तो ये तीनों साइड वाटर से सराउंडेड है. ठीक है, और एक साइड इसकी लैंड पार्ट है, इसलिए इंडिया को जो है पेनिनसुलर कंट्री भी कहते हैं. बे ऑफ बंगाल है इसकी ईस्ट साइड में, अरेबियन सी है वेस्ट साइड में और इंडियन ओशियन है साउथ साइड में. एक और चीज़ है कि इंडिया जो है इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशियन का नेम रखा गया. इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन जो है इसका नेम हमारे इंडिया के ही नाम पर रखा गया, इंडियन ओशियन. ठीक है, अब इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जान लेते हैं. कितनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं? इंडिया जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है 7 कंट्रीज़ के साथ, 7 कंट्रीज़ के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है. वो कंट्रीज़ है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, इसमें नेपाल का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, NEPAL, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका. अब किस किस साइड में है वो देख लेते हैं. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है नॉर्थ वेस्ट साइड में. देखो ये है अफगानिस्तान, ठीक है, और यहाँ है पाकिस्तान. तो ये नॉर्थ वेस्ट साइड में, मतलब ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, तो दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं. तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है नॉर्थ वेस्ट साइड में. फिर है देखो चाइना है, भूटान है और ये नेपाल है. ये है नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन में लोकेटेड है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट साइड में है चाइना, नेपाल एंड भूटान. म्यांमार एंड बांग्लादेश है उसके ईस्ट साइड में, यहाँ पे है आपका म्यांमार. ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार एंड यहाँ पे बांग्लादेश, ये दोनों लोकेटेड है आपका ईस्ट साइड में. ठीक है, ईस्ट साइड में, ये ईस्ट पार्ट है इंडिया का. और श्रीलंका आपका लोकेटेड है, यहाँ है श्रीलंका, ये है आपका साउथ साइड में. तो देख लिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है नॉर्थ वेस्ट साइड में,
चाइना, नेपाल एंड भूटान है नॉर्थ ईस्ट साइड में, म्यांमार एंड बांग्लादेश है आपका ईस्ट साइड में, और श्रीलंका है साउथ साइड में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम नोट्स देखते हैं फिर से। टू स्ट्रेटन टाइज विद इट्स नेबर इन साउथ एशिया एंड टू प्रमोट पीस एंड यूनिटी, इंडिया हैज ज्वाइन हैंड्स विद देम टू फॉर्म एन एसोसिएशन कॉल्ड सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। एक और न्यू चीज है आप लोगों के लिए कि एक न्यू वर्ड है आपके लिए सार्क, SAARC, जिसका कि फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इंडिया जो है इस सार्क का मेंबर है। सार्क अब क्या है ये आप लोगों को बता दूं, सार्क जो है एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें साउथ सेंट्रल पार्ट में एशिया के जितने भी कंट्रीज आती हैं वो सारे इसके मेंबर्स के रूप में, और ये वर्क करते हैं कंट्री को में यूनिटी मेंटेन करने के लिए, पीस डेवलप करने के लिए, उसकी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, इसको इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए ये कंट्रीज जो है ये संगठन जो है वर्क करता है, काम करता है। इसमें टोटल 8 मेंबर्स है इसके जो 8 मेंबर्स है उसका नाम बता देती हूँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये जो है 8 मेंबर्स है सार्क के। और सार्क का जो मेन फंक्शन है वो है लोगों के बीच यूनिटी मेंटेन करना, एकता बनाए रखना, शांति मेंटेन करना, और कंट्रीज की जो है इकोनॉमी को डेवलप करना, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना इसका मेन फंक्शन है। और इंडिया भी जो है इसका एक मेंबर है सार्क का, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब इतने के बाद ये तो अप्लाई योर माइंड तो आपसे इजीली बन सकता है। पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन, कितने साइड से वाटर से सराउंडेड होता है पेनिनसुला? 3 साइड। वायलेंट आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, पेनिनसुला वो पार्ट जो जिसकी 3 साइड वाटर और 1 साइड लैंड होगा, और आइलैंड मतलब ऐसा पार्ट जिसकी चारों तरफ सिर्फ वाटर होता है। डैश ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इकलौता ओशियन का नाम बताइए जो हमारे कंट्री के नेम पर रखा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही बताइए कि इंडियन ओशियन एक ओशियन है जो कि हमारे कंट्री के नेम पर उसका नाम रखा गया, इंडियन ओशियन, ओके, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और इंडिया का क्या क्या फिजिकल डिविजन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।